रणवीर, तुम कब तक मुझे एक बैंडेज की तरह यूज करते रहोगे? बैंडेज की तरह? क्या क्या बोल रहे हो तुम? लिया वही जो तुम सुन रहे हो। रणवीर, तुम्हें चोट लगती रहेगी और मैं मरहम की तरह तुम्हारे लिए काम करती रहूंगी। रणवीर, तुम कब तक अपनी चोट छुपाने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए मुझे यूज करते रहोगे? एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें यूज किया? क्यों, ये नहीं किया तुमने? मैंने किया क्या? ये अनाउंसमेंट रणवीर, ये शादी की अनाउंसमेंट। अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया और तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, और तुमने दीदा को हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने दी। मैंने अनाउंसमेंट करने दी? और नहीं तो क्या रणवीर, अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया, उसको सारी अटेंशन मिल गई, सारी इंपॉर्टेंस मिल गई, लेकिन तुमको भी तो अटेंशन चाहिए थी, तुमको भी इंपॉर्टेंस चाहिए थी, तो बस तुमने दीदा से हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करवा दी। रिया, तुम गलत बोल रही हो। नहीं 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 रणवीर, कुछ मत बोल, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मिल गई होगी अपनी ये अटेंशन, अपनी इंपॉर्टेंस, और अनाउंसमेंट भी हो गई है शादी के लिए, लेकिन रणवीर, मैं ये शादी नहीं करूंगी। Yes, you heard me right. I don't want to marry you, Ranbir. Yes, you heard me right, Ranbir. नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। सवाल ये नहीं है कि तुम मुझे पसंद हो या नहीं, सवाल ये है कि प्रपोजल से बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए तुमने मुझे यूज किया रणबीर, और वो गलत है। रिया, तुम ये क्या बोले जा रही हो? क्यों, सही नहीं बोल रही? प्रपोजल से बड़ा अनाउंसमेंट क्या होता है? शादी, शादी का अनाउंसमेंट, और वही तो हुआ रणवीर। तुम गलत बोल रही हो, तुम अगर एक बार मेरी बात सुन लोगी ना तो तुम समझ। नहीं रणवीर, तुम अब कुछ मत बोलना, तुम मेरी बात सुनो। बोल। अगर तुम्हें कुछ कहना ही था, कुछ रिएक्ट करना ही था, तो तुम्हें उस वक्त करना चाहिए था जब अनाउंसमेंट हो रही थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला, तुम बिल्कुल चुप थे रणवीर। आई सॉ यू। मैंने उस वक्त इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि घर पर सारे गेस्ट थे। प्राची से भी मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि रणवीर, प्राची मेरी बहन है, एंड यू नो व्हाट, शी सीम्ड रियली हैप्पी, वो खुश थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे बीच का जो रिश्ता है ना, अब वो एक सच्ची दोस्ती का है रणवीर, जो बहुत ही प्योर है, बिना किसी स्वार्थ के। So please, रणवीर, please, इसे शादी तक नहीं ले जाते, इसे जैसे है ना बस वैसे ही रहने दो, मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। रिया, don't say a word. मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल के डेथ बेड पे थी, अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी, सब इमोशनल थे, स्पेशली पल्लवी आंटी। तुमने जो वादा किया, जो डिसीजन लिया, वो रणवीर जज्बातों में बह कर लिया, इट वॉज ऑल इमोशनली ड्रिवन। तुम्हारी कोई गलती नहीं है रणवीर, और हाँ, अब सबसे बड़ा फैक्ट, डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।